अस्सलाम वालेकुम। आप ईद के मौके पर शीर कुरमा तो बनाते ही हैं, लेकिन इस बार डिफरेंट तरीके से आप कस्टर्ड सेवैयों को बनाइएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एवरग्रीन रेसिपी है, सर्दी हो या गर्मी आप लोग इसको कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी बेहतर कम बजट में घर पे आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम सेवैयों को लिया है। इस तरह मोटा सेवैया या बारीक सेवैये भी ले सकते हैं आप लोग। इसको रोस्ट कर लेती हूँ मैं। एक टेबलस्पून घी को डाल दीजिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर जो सेवैयों को हल्के से हम लोग 2-3 मिनट्स के लिए इसको भून लेंगे। ध्यान रखिए ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर आप लोग रोस्टेड सेवियाँ ले रहे हैं ऑलरेडी, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भून लेंगे। भूनकर हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर रख लेंगे। एक भगोने में मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। इस तरह डाल लीजिएगा। डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को हाई पर रख कर मिल्क में एक बॉयल आने तक इसको चम्मच से चला कर पका लीजिएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया बनने वाला है। आप घर पर आसान तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सेवैयों को जो भून कर रखा है उसको डाल लेंगे दूध में। जब भी हम लोग इस तरह सेवैयाँ डालेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है और एक बार अच्छे से चला लेना है। 50-60% आप इसको पकाना है। ध्यान रखिए ज़्यादा गलाइएगा नहीं। इस तरह देखिए हल्के से गल जाना चाहिए। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर मैंने 1 कप शुगर लिया है। इस तरह शुगर को ऐड कर दीजिएगा। शुगर को ऐड करने के बाद चम्मच से चलाकर गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर 2 मिनट्स के लिए पका लीजिएगा। जब तक हमारे सेवैयाँ पकते हैं हम लोग घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। इस तरह कस्टर्ड पाउडर को डालकर थोड़ा पानी को डालकर इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इस तरह मिक्स कर इस तरह लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर एक हाथ से हम लोग इस कस्टर्ड घोल को डालेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच से चलाते जाएंगे। इस गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर ही करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी इस तरह डालेंगे तो अच्छे से मेल्ट होना है, लम्स ना बन जाए। जैसे जैसे दूध पकने लगेगा तो कस्टर्ड का कलर चेंज होएगा और थिकनेस बढ़ने लगेगा। देखिए इस तरह आप थिकनेस बढ़ जाता है, तो आप इस तरह चलाते जाइए। अगर आपका कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा गरम दूध करके इसके अंदर डाल दीजिएगा और पकाकर इस तरह ऑफ कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिया है। बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू को मैंने चॉप करके रख लिया था, इसमें डाल दे रही हूँ। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह तो सेवैयाँ की तरह आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, जो कि इस तरह के मौसम पर, ईद पर तो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। इस तरह की रेसिपी आसान तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हो गए। मैंने 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में इसको चिल्ड आउट करने के लिए रख दिया था। इस तरह आप चिल्ड आउट करके ही इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। आप अपने सर्विंग बॉल्स के अनुसार या आप जिस तरह का सर्व करना है इस तरह का सर्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने सर्विंग बॉल लिया है, इसमें मैं कस्टर्ड सेवैयों को डाल दे रही हूँ। होप आप देख पा रहे होंगे और नोटिस कर पा रहे हैं कितना बढ़िया टेक्स्चर लग रहा है ना, आइसक्रीम की तरह बिल्कुल। तो इस तरह आप एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी इस तरह के मौके पर, ईद के मौके पर तो डेफिनेटली गेस्ट तो आने वाले हैं, तो इस तरह गेस्ट आने पर इस तरह आप ड्राई फ्रूट्स डालकर, थोड़ा मैंने कटे हुए फल डाल दिया, थोड़ा सेब लिया है, थोड़ा अंगूर लिया है और थोड़ा मैंने अनार के दाने लिए हैं, इसको इस तरह डाल दीजिएगा। इस तरह डालने के बाद शोभा बढ़ा देते थोड़ा बादाम, कटे हुए काजू, पिस्ते से मैं इसको सजा ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट और पसंद के अनुसार फल डालकर डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना तो बनता है। इस ईद पर आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको आराम से रेफ्रिजरेटर में 1 दिन पहले बनाकर रख लीजिएगा। जब भी गेस्ट आएंगे इसको आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह का डेजर्ट आपको दिन हो या रात कभी भी खाने के लिए बोर भी नहीं होगा और गेस्ट भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाइएगा। इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कम इन्ग्रीडियंट के साथ बेहतरीन, रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन आप घर पर कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।